प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 19 जनवरी को कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 38,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुंबई में पीएम मोदी की सुरक्षा को देखते हुए 4,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मुंबई पुलिस ने राज्य रिजर्व पुलिस बल यानी कि SRPF की 4 इकाइयों और दंगा विरोधी दस्ते के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की एक इकाई की तैनाती की है। बता दें कि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान किसी भी तरह के ड्रोन या रिमोट कंट्रोल डिवाइस के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले कर्नाटक का दौरा करेंगे। इसके बाद वे महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे। कर्नाटक में वो यादगीर और कुलबुर्गी जिलों का भी दौरा करेंगे। इस महीने प्रधानमंत्री की कर्नाटक की है दूसरी ऐसी यात्रा होगी। वह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए 12 जनवरी को बाहुबली में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने एक रोड शो भी किया था।